गाइस, तो आज आप इस वीडियो में देखेंगे कि एगलेस डोनट्स कैसे बनाए जाते हैं। वैलेंटाइन डे बहुत ही पास आ रहा है, तो आप अपने लव वंस और डियर वंस के लिए इस वैलेंटाइन ये रेसिपी बना के जरूर देखिएगा। इसमें मैंने कोई भी डोनट कटर यूज नहीं किया है, तो अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ ये रेसिपी जरूर शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और ये डोनट मैं आपको अंदर से भी दिखाती हूँ कि ये कितना सॉफ्ट और कितना फ्लफी बना है, तो आप इसे घर में आसानी से बना सकते हैं। तो इसके सारे सीक्रेट्स जानने के लिए आप ये रेसिपी एंड तक जरूर देखें। सबसे पहले आप यहाँ पर ले लें 1/4 कप गरम दूध, उसमें आप डाल दें 1 TSP शक्कर और 2 TSP ड्राई ईस्ट। दूध उतना ही गर्म होना चाहिए जितना आप उसे टच कर सकें, उबलता हुआ दूध आप यहाँ पर मत लीजिएगा। आने वाली ऐसी ही रेसिपी के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। ईस्ट को अच्छे से एक्टिव होने के लिए आप इसे ढककर 10 से 15 मिनट के लिए रख दें। आप 1/2 कप पानी लें और उसमें 3 बड़े चम्मच शक्कर की डाल दें। शक्कर और पानी को अच्छे से मिक्स कर लें ताकि इसमें शक्कर अच्छे से घुल जाए। पानी आप यहाँ पर नॉर्मल टेम्परेचर का ही लीजिएगा। तो इसे अब हम साइड में रखते हैं और चलिए देखते हैं कि ईस्ट अच्छे से एक्टिव हो चुका है कि नहीं। और ईस्ट अच्छे से एक्टिव हो चुका है, अगर ये अच्छे से एक्टिव नहीं हुआ है तो आप उसे यूज बिल्कुल भी मत कीजिएगा। तो ईस्ट यहाँ पर आप हमेशा फ्रेश ही यूज करिएगा। तो अब हम बनाते हैं डोनट के लिए डो। तो इसमें आप लीजिए 2 कप मैदा, उसमें आप डाल दें 2 चुटकी नमक के। इसे फिर अच्छे से आप मिक्स कर लें मैदे के साथ और फिर इसमें आप डाल दें एक्टिव ईस्ट। मेरे साथ ऐसा हो चुका है कि मैंने एक बार पुराना ईस्ट यूज किया और वो अच्छे से एक्टिव हुआ ही नहीं। तो आप ये बात ध्यान में रखिएगा कि जो भी ईस्ट आप यूज कर रहे हैं वो अच्छे से एक्टिव हो। तो अगर इसमें आपने बिना एक्टिव ईस्ट डाल दिया तो जो डोनट्स हैं वो अच्छे सॉफ्ट नहीं बनेंगे। तो ईस्ट और मैदा अच्छे से मिक्स हो चुके हैं, उसके बाद आप उसमें डाल दीजिए पानी जिसमें हमने शक्कर घोल के पहले से रखा हुआ था। तो पानी आप इसमें धीरे धीरे करके ही डालिएगा और इसे हमें बहुत अच्छे से गूंथना है, जैसे हम रोटी के लिए आटा लगाते हैं कुछ उसी तरीके से। तो पूरा जो 1/2 कप पानी था वो डालने के बाद मुझे ये थोड़ा ड्राई लगा है, तो मैंने 1 चम्मच पानी और डाला है इसमें। तो अब इसे हमें 10 से 15 मिनट तक अच्छे से गूंथना है ताकि इससे जो ग्लूटेन है वो रिलीज हो। देखिए ये अभी कैसे टूट जा रहा है, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट इसका स्टेप है। और 10 से 15 मिनट गूंथने के बाद ये देखिए किस तरीके से ये अच्छा लचीला बन चुका है, ग्लूटेन इसमें अच्छे से निकल चुका है। तो इसके बाद आप इसमें डाल दें करीबन 1.5 चम्मच बटर और बटर के साथ हमें ये डो को अच्छे से मिक्स करना है। ये करने में आपको 1 से 2 मिनट ही लगेंगे और फिर इसमें आप ऊपर से इस तरीके से तेल लगा दें ताकि ये जो डो है वो ड्राई मत हो। इसे आप ढक दें और किसी ऐसी जगह पर रख दें जहाँ थोड़ी सी गर्माहट हो। इसे आपको तब तक रखना है जब तक इसका साइज डबल ना हो जाए, पर 1.5 से 2 घंटे से ज्यादा आप मत रखिएगा, नहीं तो इसमें से पानी रिलीज होना स्टार्ट हो जाएगा। और ये देखिए 1.5 घंटे के बाद ये कितना अच्छा इसका साइज डबल हो चुका है। तो परफेक्ट डोनट का ये बिल्कुल ही राइट टेक्सचर है इसका। तो 1 मिनट के लिए आप इसे अच्छे से इस तरीके से गूंथ लें, अच्छे से मिक्स कर लें। और अब बारी आती है डोनट का शेप देने की। तो पराठा के लिए जितना बड़ा आटा लेते हैं आप कुछ उतना ही आटा ले लें और उसे बेल लें। आप इसे बहुत ही पतला बिल्कुल भी मत बेलिएगा, नहीं तो जो डोनट है वो अच्छे से फूलेंगे नहीं। कुछ इतनी मोटाई का आप बेल लें। अब क्योंकि यहाँ मेरे पास हार्ट शेप का कटर नहीं था तो मैंने नाइफ से कुछ इस तरीके का इसमें शेप बनाया है हार्ट का। हाँ, पर इसके लिए आपको हार्ट शेप बनाना जरूर आना चाहिए। वैसे ये बनाना बहुत ही आसान है। तो पहले मैंने इसका एक आउटलाइन बना लिया है और अब मैं इसे कट कर रही हूँ। डोनट वैसे आप कोई भी शेप का बना सकते हैं, खाने में वो बहुत ही अच्छे लगते हैं और स्पेशली बच्चों को तो बहुत ही पसंद आते हैं। तो वैलेंटाइन डे आ रहा है तो मैं अपने हस्बैंड के लिए बनाने वाली हूँ, पर मुझे पता है कि सबसे पहले ये मेरा बेटा ही खा लेगा। तो आप जब भी ये डोनट्स बनाएंगे मुझे उसके फोटोज जरूर भेजिएगा। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब व्यूअर्स मुझे फोटोज और कॉमेंट करके अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। तो हार्ट शेप का डोनट अच्छे से रेडी हो चुका है। अब आप एक बेकिंग पेपर लीजिएगा छोटा सा और उसमें ये हार्ट को रख दीजिएगा। तो उंगलियों से आप इसे कुछ इस तरीके से अच्छा सा शेप दीजिएगा। इससे होगा ये कि जब हम इसे फ्राई करेंगे तो इसका शेप बिल्कुल बिगड़ेगा नहीं। इसके ऊपर आप फिर लगा दीजिएगा तेल ताकि ये ड्राई ना हो और फिर इसे ढककर 10 मिनट के लिए रख दीजिएगा। तो अब हम बनाते हैं राउंड डोनट। तो उसके लिए मैंने ले लिया है 1 कटोरी, ये तो सबके घर में होता ही है। तो आप इसे अच्छे से प्रेस करिएगा, बन गया ये एक राउंड शेप। छोटा सा जो मेडिसिन का मेजरमेंट कप आता है उससे आप इससे बीच में होल बना लीजिए। ये बन गया डोनट का शेप। और फिर हम सेम जैसे हमने हार्ट शेप को बेकिंग पेपर में रखा था
हम ये सर्कल को भी उठा के कुछ इस तरीके से इसमें रख देंगे। और इम्पॉर्टेंट स्टेप, इसमें आप ऑयल लगाना और इसे कवर करके 10 मिनट रखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो सारे पीसेस आप फ्राई करने के पहले बनाकर रख लें। कढ़ाई में डालें आप तेल और उसको रख दें आप मीडियम फ्लेम में। तो पहले एक छोटा सा टुकड़ा डालकर रखें कि ये अच्छे से गर्म हुआ है कि नहीं, और फिर इसमें आप डाल दीजिएगा बने हुए डोनट्स। डालते वक्त आप इसे धीरे से ही डालिएगा ताकि जो गर्म तेल है वो बाहर ना आए, और इसे आपको गोल्डन ब्राउन होने तक दोनों साइड से अच्छे से पकाना है। तो एक मिनट एक साइड से फ्राई होने के बाद आप इसे पलट दें और दूसरे साइड से पकाएं। और अब दोनों साइड से इसमें अच्छे से गोल्डन ब्राउन कलर आ चुका है, तो आप इसे कढ़ाई से निकालकर एक टिश्यू पेपर में रख दें और इसे रूम टेम्परेचर में ठंडा होने दें। तो यहाँ मैंने डोनट को पेपर से हाथ से निकाल कर डाला है। तो अगर आपके डोनट का शेप नहीं बिगड़ रहा है तो आप वैसा भी कर सकते हैं। डोनट को आप बहुत ज्यादा गर्म तेल में फ्राई मत करिएगा, नहीं तो वो बाहर से जल जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। अगर डोनट में आपको कुछ इस तरीके का क्रैक दिखने लगे तो आप बिल्कुल मत डरिएगा, इससे इसके टेस्ट में कोई फर्क नहीं पड़ता है। और अब बारी आती है डोनट्स में चॉकलेट लगाने की। तो यहाँ मैंने डबल बॉइलिंग मेथड यूज किया है। तो अपने पसंद का कोई भी डार्क चॉकलेट आप यहाँ पर 100 ग्राम लीजिएगा, और चॉकलेट के बाउल को आप गर्म पानी के ऊपर कुछ इस तरीके से रख दीजिएगा। आप इसे माइक्रोवेव में 30-30 सेकेंड्स करके भी मेल्ट कर सकते हैं। चॉकलेट जो है वो बहुत ही जल्दी जल जाता है, तो आप इसे कंटिन्यू चलाते रहें, और इसे आपको तब तक मेल्ट करना है जब तक इसमें से सारे लम्स खत्म ना हो जाएं। तो जो डोनट है वो एकदम गर्म नहीं होना चाहिए, रूम टेम्परेचर का होना चाहिए। तो आप उसे कुछ चॉकलेट में इस तरीके से डिप करिएगा और एक प्लेट में आप इस तरीके से निकाल दें। और सेम चीज मैंने किया है व्हाइट चॉकलेट के साथ, उसे भी अच्छे से मेल्ट कर लिया है, और सारे डोनट्स आप इसमें कुछ इस तरीके से डिप करके निकालते जाएं। तो कुछ पैटर्न्स बनाने के लिए आप व्हाइट डोनट्स में डार्क चॉकलेट से इस तरीके से पैटर्न्स बनाएं, और डार्क डोनट्स में आप व्हाइट चॉकलेट से पैटर्न बना सकते हैं। इसके बाद आप अपने पसंद का कोई भी स्प्रिंकल इसमें स्प्रेड कर सकते हैं, और डोनट्स खाने के लिए बिल्कुल रेडी है। तो आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे लाइक और कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।